हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका के लाइफ में आप सबका दिल से स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा ईशिका को घुमा लाते हैं क्योंकि लास्ट संडे हम कहीं नहीं गए थे, घर में ही रहे थे। तो इसको बस टिटिच जाना है, टिटिच जाना है। सिंपल से पहन लिया है कॉटन का कुर्ती, देखिए वो तैयार हो गए, बड़ा एक झोली ले ली है गले में फ्लक्स। तुम्हें रेडी? ओटा की साइडर की नहीं है छोटा बैग कृष्ण और कम करे जाबा ওরকম করে যাবা তুমি? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে চলো। तो गाड़ी के अंदर जब गाना चलता है तो मैं और ईशिका बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और मेरे हस्बैंड भी, हम तीनों मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और सडनली रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा दिखा, लोगों का भीड़ दिखा, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा। तो हमने क्या किया, गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर दिया। स्लो करके हमने पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने जब बोला हम दोनों शॉक्ड हो गए, हमारा खुशी थोड़े टाइम के लिए एकदम थम ही गया। तो यहाँ पे बहुत, ये तो पहाड़ काट के रास्ते बनाए गए हैं, तो ये गाड़ी क्या है, खाई में गिर गया है। आप सोचिए कैसा लगा होगा सुनते ही, मतलब वो होनी को हम कोई भी टाल नहीं सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि जो भी उस कार में था वो सही सलामत रहे, चाहे कार का कुछ भी हो। तो ये है मेरा मम्मी और वो है मेरा लाडला भाई। तो हम एक गेट टुगेदर करने के लिए आए हैं, शाम को थोड़ा सा ऐसे इवनिंग स्नैक्स लेके बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो बहुत ही मैं खुश थी। तो रास्ते में जो भी इंसिडेंट हुआ है मैं मम्मी और भाई के साथ शेयर नहीं की, वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो उनका भी शाम मुझे ख़राब नहीं करना था, तो गर्मा गर्म चाय और पकोड़ा हमने ऑर्डर कर दिया था। बहुत टेस्टी चाय था और साथ में जो पकोड़ा था बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था। और सोचिए आप, बाहर का मौसम क्लाउडी और अंदर आप गर्मा गर्म चाय और पकोड़ा ले रहे हो, कितना मज़ा आता है ना। ये चाय आप देखिए, चाय देखने से ही पता लगता है जो चाय के शौकीन है कितना ही अच्छा बना होगा। ये चाय बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था, मेरा तो पूरा स्ट्रेस ख़त्म हो गया था इस चाय को पीने के बाद। सच में गर्मा गर्म चाय के मजा लेते हुए मिस्टर मिसेस तो हम घर की ओर गए हैं। थोड़ा सा सब्जी वगैरह फिश वगैरह ले लिया है, थोड़ा बहुत हाथ के समय जो मिला है। और ईशिका बहुत परेशान कर रही थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई कुछ भी। ईशिका हाय बोले दो। हाय हाय, कैमन आछो? मैं चाचू भाई आछो। कैमन आछो, ভালো আছো? হ্যাঁ। তো বহুত अच्छा लगा आज, शाम बहुत अच्छा गया। तो चलिए घर जाकर बात करती हूँ। घर पहुँच गई हूँ, दिखाती हूँ। मम्मी के घर के सामने ही कुछ काम था तो मम्मी से भी मिल ली। मम्मी थोड़ा बहुत क्या क्या दे के भेजी है, अभी आप लोगों के साथ भी मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। दिखाती हूँ मेरे मम्मा ने क्या क्या दे के भेजा है। उन्होंने तो बोला है कि ये सब वीडियो में मत दिखाना, बट फिर भी मैं दिखाना चाहती हूँ उनका प्यार। क्या क्या है इसके अंदर देखती हूँ। ये है कड़ी लीप, देखिए कड़ी लीप। तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ बहुत शॉर्ट है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जितना भी टाइम है ना फ्रेंड्स, उस टाइम को हम जी भर के जीते हैं, सबके साथ मिल बांट के रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सब गिले शिकवे भूल जाते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे पल बिताते हैं, हंसते हैं, खूब मज़े करते हैं। ज़िंदगी के एक एक पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नींद से जगने के बाद भगवान जी को बिग थैंक यू बोलिए और अपना हर दिन मज़े से बिताइए, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ देख रहे हो ना, सब मेरे मम्मी के हाथ का है। सब मम्मी ने एक एक तिल तिल करके अपने हाथों से सींच के ये सब उगाया है और ये तो आपको बाज़ार में भी नहीं मिलता। ये उसके मामा ही ने दे के भेजा है चिकन चाउमीन।
तो ये है झींगा फिश। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको पता है मुझे झींगा फिश कितना ही पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो झींगा फिश को मैं अभी नहीं साफ़ करूँगी, अभी मैं डीप में रख दूँगी, कल साफ़ करूँगी, आज बहुत लेट हो गया है। और यहाँ पे जितने भी कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ हम मार्केट से लाए हैं, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई और वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कोई नया देख रहा है तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।